हेलो फ्रेंड, आरएस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का मेन टॉपिक है कि पेटीएम का ब्लॉक अकाउंट को अनलॉक कैसे करें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारी प्रोसेसिंग बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना पेटीएम ओपन कर लेता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का ब्लॉकेड मैसेज आ रहा है। वी हैव फाउंड सुपरसिंग एक्टिविटी फॉर दिस नंबर डीएस फॉर वी हैव ब्लॉकेड योर द अकाउंट। प्लीज रिसीव ए रिक्वेस्ट एट paytm.com केयर टू द अनलॉक योर द अकाउंट। इस तरीके का एक मेरे पास मैसेज आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ से अपना ये मेरा पेटीएम ओपन किया तो यहाँ पर मैं लॉग इन के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर लॉग इन जैसे ही मैं करता हूँ, लॉगिन में आने के बाद यहाँ पर ये मैसेज यहाँ पर छोड़ रहा है। तो मुझे अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। बैक जाता हूँ, थोड़ा बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको 24x7 हेल्प केयर दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम अनेबल टू लॉग इन इंफॉर्मेशन माई गाप। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैंने एक रसीद यहाँ पर डाउनलोड कर कर भी इनको डाल दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ से कितने दिनों में यहाँ से ये अनब्लॉक का यहाँ पर मैसेज आता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेरी डिटेल्स गई है, रेफरेंस नंबर मुझे मिल चुका है, इशू भी मिल गया है, आई एम अनेबल टू द लॉग इन इंफॉर्मेशन माई द पेटीएम अकाउंट ओपन। टाइम भी चला गया है मैंने, क्योंकि ये मैंने कल की डेट में इनको मैसेज किया था। अब ये पता नहीं मेरा अकाउंट कब तक ये ओपन करके मुझे देंगे। तो अब मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट का इंतज़ार करना होगा कि वहाँ से क्या मैसेज ये कंपनी पेटीएम वाली यहाँ पर मुझे छोड़ के देगी। तो जैसे ही यहाँ पर लॉगिन हो जाता है तो मैं आपको अगली वीडियो में लॉगिन कर आपको दिखाऊंगा कि मेरा किस प्रकार से अकाउंट ब्लॉक होकर अनब्लॉक किया गया था। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ज़रूर रखें, क्योंकि कोई भी समस्या होती है किसी भी ऐप के ऊपर तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से या इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। और मैं बहुत परेशान हूँ इस पेटीएम की वजह से, क्योंकि मेरा इसमें कुछ बैलेंस फंसा हुआ है। अगर आप भाइयों के पास भी कोई ट्रिक हो तो मुझे कमेंट में लिख कर बताए कि सर इस तरीके से पेटीएम अनब्लॉक हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना प्रयास तो जारी कर ही रखा है। अगर आपको भी कुछ पता हो तो आप भी बता सकते हैं।